हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है मौलाना तारिक जमील एक हिजड़े का वाक्य, मतलब मुफ्ती तारिक मसूद जी का ये वाक्य, वो कुछ बताने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी के बारे में, उनके कोई वाक्य के बारे में। ओके, सो इमोशनल बयान है ये। सो कैन लाइक आई डोंट नो, नहीं, सो ये एक इमोशनल बयान है। लेट्स सी, इसको देखते हैं, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। जी, क्या क्या बातें आती है दिमाग में, खोपड़ी में। अभी मैं एक वाकया सुनाया ना, जिसने मुझे सुनाया तो रो रहे हैं, बस मैं आंखों से जब्त नहीं कर पा रहा था। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का वाकया है। एक शख्स आया मुझसे मिलने के लिए, ख्वाजा सिरा है। मैं तो पहली दफा जिंदगी में कोई ख्वाजा सिरा मुझसे मिला। मैं समझा कि प्रॉपर आदमी है, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी और रंग, माशाल्लाह बड़ी मर्दाना वजह। लेकिन जब बातचीत का अंदाज होता है थोड़ा सा, वो एटीट्यूड से अंदाजा हो गया कि ये मुकम्मल मर्द नहीं है। तो उसने मुझे खुद बता दिया मैं ख्वाजा सिरा हूँ। मैंने कहा भाई हमसे मिलने के लिए कैसे आए आप, इतनी बड़ी दाढ़ी आपकी। उसने अपना जो वाकया सुनाया ना, मैं तीन दफा वो वाकया सुनाते हुए रोया हूं। और जब वो सुना रहा था उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने ये अभी भी मेरा बयान सुनता है वो। उसने वाकया सुनाया कि मैं जब पैदा हुआ था ना, तो मैं ख्वाजा सिरा था। घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, वालदैन की तरफ से इज्जत नहीं मिलती। जब 10-12 साल का हुआ तो ना भाई मुझे इज्जत दे रहा है और ना मेरा वालिद मुझे इज्जत दे रहा है। मैं भाई के साथ कहता हूँ मुझे बाहर लेके जाओ, तो कहते लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तुम्हें देख के। जाहिर है उसकी हरकतें थोड़ी जनाना लड़कियों वाली हरकतें होती हैं, और वालिद भी कहीं महफिलों में नहीं लेके जा रहे, एक मजाक उड़ाया जाता है। कहने एक दफा मैं कहीं गुजर रहा था, तो ये जो होते हैं ना ख्वाजा सिराओं की पूरी एक जमात थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, देखा इतना अच्छा। उस वक्त ना इसकी दाढ़ी, और यानी इसमें ख्वातीन वाली ही अलामतें थी ज्यादा। तो उन्होंने मुझे कह रहे इतनी इज्जत दी, खाना खिलाया और अपने गुरु के पास लेकर गए, और गुरु ने कहा कि तुम हमारे एजेंट बन जाओ, हम तुम्हें फिर डांस मास करवाएंगे, आधे तुम्हारे आधे हमारे, जो भी उसका सेट। कह रहे मुझे पहली दफा कहीं इज्जत मिली। तो लेकिन मेरे अब्बा को पता चल गया, तो अब्बा ने लाके तबीयत से कूट दिया, ठीक है ना, कि दोबारा इनमें नहीं बैठना। ठीक है, हमने तौबा कर ली, भाई ये बुरे लोग हैं, डांस मास अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कहते हैं कि फिर जो है ना कुछ दिनों में कहीं किसी से झगड़ा मेरा हुआ किसी बात पे, तो उसने इंतकाम लेने के लिए शिकायत लगा दी अब्बा को कि ये दोबारा उनके पास गया, हालांकि वो झूठी शिकायत थी। अब अब्बा को लगा कि ये सही कह रहा है जिसने शिकायत लगाई है, क्योंकि शुभा तो था ना अब्बा को दोबारा जाएगा। अब्बा ने फिर मारा, तो कह रहे अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं नहीं जा रहा उनके पास, मैं ना नाच गाना सीख रहा हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन अब्बा ने उसकी बातों में आके इंक्वायरी नहीं की होगी पूरी, वो समझे होंगे कि भाई ऐसा ही है, तो अब्बा ने फिर कुटाई लगाई। तो इसके दिल में मनफी जज्बात पैदा हो गए और ये घर से भाग गया कि भाई मुझे वैसे तो इज्जत ना यहाँ मिल रही है, और मैं अब जिल्लत बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, तो भी कह रहे मैं वहाँ चला गया। तो जब मैं वहाँ गया हूँ ना ख्वाजा सिराओं के यहाँ, तो वही गुरु और डांस, और फिर उसने मशहूर मशहूर कुछ एक्टरों के नाम बताए जिनके साथ हम डांस करते थे, और पैसे आना शुरू हो गए, आधे गुरु की जेब में आधे हमारी, और हटो बच्चों। लेकिन जाहिर है ये कोई इज्जतदार रास्ता तो नहीं है ना। कह रहे हैं कहीं से तबलीगी जमात में हजरत मौलाना तारिक जमील साहब आ गए, उन्होंने इजाज़त मांगी, हमारे गुरु को पैगाम भेजा भाई मुझे एक दफ़ा यहाँ आके दावत देने, तो उसने इजाज़त दे दी आ जाओ भाई। बयान किया, उनको समझाया भाई ये ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह की सैरोज़े के लिए बहरहाल तरगीब दी। कह रहे हैं मैं तैयार हो गया, बाकी लोग तैयार नहीं हुए, मैं तैयार हो गया। कह रहे मैंने गुरु से इजाजत ली, उसने कहा जाओ लगा लो सरोजा। तो कहता है कि जब मैं हजरत के घर पे गया हूं ना, तो हजरत पहले से दरवाजा खोल के ऐसे उन्होंने दोनों बाजू फैलाए हुए थे इस्तकबाल के लिए, पहले से खड़े हुए थे उलमा के साथ। कहते इतने मशहूर आदमी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, और इतने बड़े बड़े उलमा, उनकी पगड़ियाँ, उनके इतना खूबसूरत लिबास, जो खुद इज्जतदार लोग हैं, कह रहे ऐसे जो है ना मेरे इस्तकबाल के लिए दोनों बाजू फैलाकर खड़े हुए, और ऐसे मुझे बेटा बना के ना अपने सीने से लगाए कि तू मेरा बेटा है। कह रहे खुदा की कसम मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा किसी से ऐसी
पहली मर्तबा ऐसी इज्जत मिली मुझे किसी से, और इस इज्जत देने में मौलाना का कोई मफाद नहीं, बोलो भाई कुछ भी, बल्कि जिल्लत हो, जिल्लत होगी ना, लोग कहते हैं ख्वाजा सरा को बेटा बनाया हुआ है, और उस वक्त तो उसमें बेचारे में कुछ जनाना सी अलामतें भी थी, तो ख्वाजा सरा को क्या दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। क्या किसी ताजर पे मेहनत करो तो थोड़ा चंदा दे देगा मदरसे, वो ऐसा ही है ना, और किसी अफसर पे मेहनत करो तो ताल्लुकात क्या हो जाएंगे जब वो दीन पर आएगा, तो इससे क्या फायदा इसको, तो बाप ऐसे इन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, भाई अपनाने से कह रहे मुझे ये अपना रहे हैं, ऐसे सीने से लगाया उन्होंने, और मुझे सहरोजे की जमात में अपने साथ लेकर गए, खिलाते थे, बड़ा ख्याल रखवाया मेरा, कह रहे उसके बाद फिर मैंने गुरु से इजाज़त ली, वो गुरु छोड़ते थोड़ी है, उनको पैसे वैसे दिए जान छुड़ाई ना, वो भी गुलामी की तरह निकलना पड़ता है, पैसे दिए पता नहीं कितने लाख या कितने हज़ार रुपए, वहाँ से फिर निकल के चार महीने उसमें भी ख्याल किया, तो फिर तबलीग के बुज़ुर्गों से मिला, फिर उन्होंने पूरा मुझे बताया कि भाई तुम ये इलाज करो ताकि तुम्हारे अंदर ये जनाना अलामतें ख़त्म हो, तो वो इलाज कर रहा था माशाल्लाह, उस इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन में डॉक्टरों की भी मदद करवाई। ये ऐसी एनजीओ है मेरे भाई जिसको कोई भी एनजीओ नहीं कहता, ना इनके कोई इश्तिहार आ रहे हैं, कितने लाखों लोगों को इस तरह से ये लेकर भी आए और उनके मसाइल भी हल किए, मगर ना कोई वीडियो बन रही है ना कोई इश्तिहार आ रहा है, ये तो उसने खुद मुझे बता दिया ना, और उसने कहा ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है। तो उसकी माशाल्लाह अब दाढ़ी निकल गई, उसने कहा आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह से उम्मीद है कि मुकम्मल मर्द बन जाऊंगा मैं। तो ये है वो दावत जिसमें आपका कोई मफाद, बोलो नहीं है। तो दावत के काम में जब तक इस दर्जे का इखलास नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी दावत में जान पैदा नहीं होगी। कितने इमोशनल और इंस्पायरिंग सी वीडियो है ना सच, सच्ची में मतलब लोग इनको इज्जत कम देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो तो उनको भगवान ने बनाया तो वो खुद तो वो ऐसे हैं, जबकि किसी को इसमें गलती नहीं है। लेकिन तारिक इमेल जी की बात सुन के ना मेरे दिल से मतलब दिल इतना बड़ा होगा कि वाकई में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया ना, पहले वहाँ पे वो बयान करते हैं, वहाँ पे बयान देने गए हैं वो, देन उसके बाद वो इंस्पायर हुए ना जो थे वो, देन उसके बाद वो सर बहुत 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 अच्छा लगा, मतलब क्या तारीफ करें इनके ना, जितनी तारीफ करें कम है, इनके हम आए दिन इनके बहुत सारे किस्से सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये हेल्प करते हैं, वैसे करते हैं वैसे करते हैं, राइट। हम छोटी छोटी वीडियो भी सजेस्ट होती है, अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो से पहले नहीं आया दिखाई रहा था उनकी वीडियो कि उनके साथ एक एक्ट्रेस मिल रही थी, तो उनकी जो बातचीत हो रही थी वो बहुत अमेजिंग है ना जी। सो ये थी वीडियो, ये था किस्सा, बहुत इमोशनल जैसे न्याने कह दिया, इंस्पायरिंग वाला इंशाल्लाह ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन एक बेस्ट चीज़ है कि इस चीज़ की वीडियो नहीं बनती और वो किसी चीज़ को बताते भी नहीं है ना, वो तय दिल से काम करना, किसी लिए शो नहीं करनी या पैसों के लिए या कुछ ऐसा शो नहीं करना है ना। सो बाकी ये थी वीडियो, और देखेंगे ऐसी वीडियो, आप भी तारिक मसूद जी की वीडियो बहुत पसंद करते हो, हमें कमेंट्स आते हैं, सो बनाएंगे इनकी वीडियो भी, टेंशन मत लो आप, बस रिक्वेस्ट करते जाओ। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।